एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं अंकिता और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूं एक कॉटन चंदेरी साड़ी का रिव्यू जो मैंने लिया है अमेज़न से। तो अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो इस तरह से पैकेजिंग में आई है साड़ी। तो साड़ी आपको वेबसाइट पे कैसे दिखेगी उसका पिक्चर मैं यहाँ पे डाल दूंगी, ऑल्सो प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। और अगर आपको ये खरीदना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगी। तो गर्मी का सीजन है, काफी लोग मुझे बोल रहे थे कॉटन की साड़ी दिखाए, तो मुझे ये वाली ज्यादा अच्छी लग रही थी। तो दिस इज बाय दी ब्रांड श्री जी डिजाइनर, शॉप का नाम है श्री जी डिजाइनर। तो ये है श्री जी डिजाइनर चंदेरी कॉटन साड़ी और ये आपका कलर है ऑफ व्हाइट में, ऑफ व्हाइट में। तो आपको ग्रे, ब्लैक और काफी सारे डिफरेंट कलर्स अवेलेबल हो रहे थे, आप देख सकते हो। ये मेरा नया फोन का कवर है, नया है, रेडमी का है, मैंने रिसेंटली लिया है ये फोन, तो मैंने इसको अच्छी से कवर में भी लगाया है फॉर द टाइम बीइंग। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बार में मिल जाएगी फोन की भी, कवर की भी, अगर आपको पसंद आई है आप खरीदना चाहते हो तो। तो इसका प्राइस है 799 रुपीज ओनली। तो विद इन 1000 रुपीज आपको एक बढ़िया सी साड़ी मिल रही है। इनका ब्लाउज पीस आपका आएगा 0.8 मीटर्स में और लेंथ जो है साड़ी का आपका 5.5 मीटर्स का है। तो स्टैंडर्ड साड़ी है, जैसी आती है बिल्कुल वैसी ही है। चलिए जल्दी से ओपन करके देखते हैं। काफी सारे लोग मुझे साड़ी का विड्थ पूछते रहते हैं, तो विड्थ आपका ऑलमोस्ट 1.04 मीटर्स का आ जाता है। तो ब्लाउज पीस जो है आपका, ये छोटा ब्लाउज पीस नहीं है, अगर आप सोच रहे हो ये छोटा है, नहीं नहीं, यहाँ पे इस तरह से इसको ज्वाइन करके दिया गया है इसलिए छोटा लग रहा है। बट प्रिंटेड ब्लाउज पीस है आपका बेज कलर में, ऑफ व्हाइट नहीं है ये, बेज कलर है। तो बेज कलर में इस तरह से आप देख सकते हो फूल बनाए गए हैं, डिफरेंट कलर्स के मल्टी कलर फूल है, काफी अच्छा प्रिंट दिया हुआ है, साड़ी के कॉन्ट्रास्ट में बहुत ही अच्छा लगेगा। और नीचे आपका इस तरह से एक थिन सा बॉर्डर दिया हुआ है, ये आपका पैच लगाया हुआ है, थिन सा जरी टाइप पैच है और उसपे ब्लैक का काम दिया हुआ है, ब्लैक और गोल्डन का काम दिया हुआ है। काफी सुंदर लग रही है मुझे ब्लाउज पीस, काफी सारी साड़ीज के साथ ये ब्लाउज आपकी चल जाएगी अगर आप इसको बनाओगे, 3/4 बनाइए, बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है दिखने में। तो एक टर्न तक आपकी साड़ी पूरी प्लेन है। तो ये आपका ऑफ व्हाइट कलर में ही है, बट ये मोर ऑन द लाइन्स ऑफ बेज कलर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऑफ व्हाइट नहीं लग रहा है मुझे, थोड़ा बेज टाइप कलर लग रहा है। तो ऊपर में साड़ी आपकी पूरी प्लेन है, कॉटन की साड़ी है, एकदम 100% कॉटन है, काफी सॉफ्ट है, बहुत ही ज्यादा स्मूथ है। और नीचे इस तरह से आपके फूल बने हुए हैं, फूल आपको जो है वो मल्टी कलर में मिलेंगे, आप देख सकते हो वेरियस कलर में है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि ब्लाउज पीस के साथ कॉन्ट्रास्ट में अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे आपके फूल बनाए हुए हैं, एम्ब्रॉयडरी दी गई है, मैं आपको एक ही दिखा देती हूँ, और इस पे आपका गोल्ड का भी एम्ब्रॉयडरी दिया हुआ है। और नीचे में आपको बॉर्डर रिसीव हो रहा है, जो आपका ब्लाउज पीस का कपड़ा है उसका पैच लगाया गया है साथ में, जो ब्लाउज पीस में आपको बॉर्डर रिसीव हो रहा था वो जरी का भी यहाँ पे पैच अटैच किया गया है। तो दोनों मिला के यहाँ पे आपको थिन बॉर्डर रिसीव हो रहा है नीचे, और आप देख सकते हो डिफरेंट कलर के आपको फूल दिए हुए हैं। तो काफी सुंदर लग रही थी मुझे साड़ी और अभी भी बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है दिखने में मुझे। पल्लू के साइड पे आपकी साड़ी जो है आपको टॉप पे फिर से थिन बॉर्डर रिसीव होगा जो आपको नीचे मिल रहा था, और फूल जो आपको मिल रहे थे अप टू बॉटम तक आपको इसी तरह से पूरे फूल रिसीव होंगे पल्लू की साइड में, जो काफी सुंदर लग रहे हैं दिखने में। और बॉर्डर जो है आपका साइड में भी सेम कंटिन्यू होगा और नीचे भी आपका थिन बॉर्डर ही कंटिन्यू हो रहा है। तो साड़ी मुझे काफी ज्यादा सुंदर लगी है, बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट साड़ी है। होली के टाइम पे अगर मुझे ये साड़ी मिल जाती तो काफी सुंदर रहता, क्योंकि होली के लिए बहुत ही ज्यादा अप्रोप्रिएट है। तो काफी सुंदर लग रही है साड़ी दिखने में, डेली वेयर के लिए भी साड़ी काफी अच्छी रहेगी। और अगर आपका कोई डे इवेंट है, जैसे कि दोपहर में आप कहीं लंच करने जा रहे हो, या फिर आपका कॉलेज में कोई डे इवेंट है, मतलब थोड़ा रिलैक्स्ड इवेंट है, ज्यादा कुछ आपको हैवी पहनने की जरूरत नहीं है, आप ये आराम से साड़ी पहन के हैवी सा एक मल्टी कलर जो अफगानी झुमके मिलते हैं आप वो पहन के इसको कैरी करो, हाथ में बैंगल पहनो, इन कलर्स में से कोई एक कलर का आप पूरा फुल बैंगल सेट पहन लो, कांच की चूड़ी पहन लो पूरी, तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेगी साड़ी दिखने में, काफी ज्यादा बढ़िया लगेगी।
और कॉटन की साड़ी है तो दिन पहनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि गर्मियां तो है हैदराबाद में हमेशा ही रहती है, बट गर्मियां अभी आ रही है, आ गई है, तो गर्मी के लिए ये साड़ी बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहेगी, बहुत ही सुंदर दिखेगी। और स्पेशली ब्लाउज पीस जो आपको इसके साथ मिला है वो काफी बढ़िया है, इस साड़ी के साथ तो जाएगी ही, आप दूसरी साड़ी के लिए भी उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए अब देखते हैं साड़ी पहन के कैसी लगती है। अगर अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल डाउन बिलो। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत पता चल जाए। मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक्स डिस्क्रिप्शन बार में रहेंगे, तो मुझे फॉलो कीजिए ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, टिल द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।